देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज और आइए आपको एक खबर के बारे में बताते हैं। दबंगों का साथ दे रहा है कानून तथा औरई थाने का प्रशासन। उत्तर प्रदेश के भदोही जिला के थाना औरई में नहीं मिल पा रहा है न्याय। पीड़ित परिवार सरकार से व जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक से कर रहा है पुकार। पीड़ित परिवार की आंखों में झोंकी जा रही है धूल। अनुदेवी पत्नी प्रमोद कुमार पांडे निवासी नथुवा थाना तहसील औरई की मूल निवासी है। प्रार्थी के विपक्षी गण संतोष कुमार पांडे पत्नी सुनीता पांडे, अशोक कुमार पांडे पत्नी रेखा पांडे, अजय पांडे पत्नी अमिता पांडे, अरविंद पांडे पत्नी पूनम पांडे ने मिलकर अनु पांडे को बांध कर मारा और अशोक कुमार अजय कुमार ने अनु के साथ गलत करने की कोशिश की। मौके पर अनु के पति बचाने लगे तो उनको भी लोगों ने मारा और वहां की औरतों ने अनु की हसिया से बाल काट लिए और बहुत मारा, लेकिन प्रशासन दबंगों से पैसे लेकर बैठी है। प्रशासन नहीं कर पा रही है न्याय। दोनों पार्टियों ने सेम धारा लगवाई है। अनु पांडे का कहना था कि राजस्व विभाग की समस्या है, फिर हम लोगों पर ऐसा क्यों किया गया। प्रशासन विपक्षी पार्टी से पैसा लेकर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अनु पांडे के पति को थाने में बैठा लिया गया था। विपक्ष पार्टी खुश होकर घूम रही है। मैं अनु पांडे जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक से व भारत सरकार से अपने न्याय के लिए अपील करती हूँ। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रिपोर्टर कपूर सिंह। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार पांडे। प्रमोद कुमार पांडे, हाँ जी। आपका नाम? अनु पांडे। अनु पांडे, क्या मामला था, आप लोग का क्या समस्या है? मामला सर जो है कि बंटवारे को लेकर है। बंटवारे को लेके? हाँ, पैतृक संपत्ति है जी, जो भी वहाँ पे घर वगैरह जितने भी सब बने हैं, हाँ हाँ, उसको सब जो है माता पिता ने बनवाया है। माता पिता ने सबको जो है कमरे भी बनवा के, कैमरा देखिए आप, कैमरा हाँ ये है, हाँ। लेकिन यहाँ पे जो हमारे भाई हैं ये लोग दबंग किस्म के लोग हैं, पैसे वाले हैं। आप किस गांव के हैं? आप नरथुआ गांव के। अच्छा, नथुआ गांव के। हाँ, नरथुआ। आपका थाना क्या पड़ता है? औरई। औरई, जो मारपीट हुई आपकी, हाँ। आप थाने पर एप्लीकेशन दिए थे? एप्लीकेशन उस दिन भी दिए थे श्रीमान जी, 9 तारीख को एक घटना हुई थी सारी जी, और इसके बाद जो है 151 में चालान हुआ था जी, जमानत हुआ। जमानत के आने बाद जो हमारे तहसील के पेशकार साहब हैं श्रीवास्तव जी, वो जो है हमको और वहाँ लोग थे सबको बोले कि भाई इसको घर में क्यों, इसको जो है तुम लोग जो है घर में से जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हो। उनको जो समझाए और बोले कि ये घर जी अरविंद पांडे जी, अमृता पांडे उसका पति अजय पांडे जी, अपनी लड़कियों को लेकर, तीन लड़कियाँ फिर संध्या वर्षा लवली को लेकर, और मेरे जेठ अशोक पांडे और देवर अजय पांडे, इन लोगों ने हमारे पति दुकान पर बैठे थे सर, हमें आए हमें घर से घसीटने लगे, जो कि सर मेरा आधी कीमत दिए हैं घर का बंटवारा धोखेधड़ी से करे, हमारे पति से मिला फुसला भला के किसी ढंग से साइन करवाए सर, हमारा पैसा जबरदस्ती हम लोगों को अपने पैसे, हमारा पैसा पूरा नहीं दिए और हमें आए बोले तुम घर से निकल जाओ। जब मैंने अपना हिस्सा बताया सर, तो उन लोगों ने मुझे घसीटते हुए मेरे घर में घुस के मुझे बेरहमी से मारे सर, मेरे दाईं आंख पे चोट आई थी, मेरे दाहिनी अंगुली में चोट आई है सर, मेरे सर पे चोट आया है जिसे बहुत मुझे नंगा करने की कोशिश करने लगे सर, मेरे गहने भी छीन लिए हैं, मेरे कान के बाली थे पहने थे, बिजली पहने थे, गले का मंगलसूत्र, पाँव के सब कुछ निकाल लिए, सब कुछ निकाल लिए। अच्छा, आपको मारने वाले कौन कौन है, आपको कौन कौन मारा था? मेरी जेठानी, मेरी चार दो जेठानी, दो देवरानी, उनकी लड़कियां और अशोक पांडे, अजय पांडे। अच्छा, ये लोग आपके साथ गलत करना चाह रहे थे? गलत करना चाह रहे थे, जिसके द्वारा उनकी पत्नियों द्वारा बनवाया गया, उन लोगों ने हसिया से मेरे बाल काट लिए और मेरे नंदोई थे जो कि बाहर खड़े ललकारते हुए मेरे बाल कटवाए, रोशन मिश्रा, प्रशांत मिश्रा और उर्फ रोशन मिश्रा, यही काम। ये लोग हमें धोखाधड़ी से हमारे पूरे पैसे भी नहीं दे रहे हैं और हमें बदनाम करते हैं, बोलते हैं तुम बच्चलन हो, तुम्हारे ऊपर झूठा केस लगवाएंगे हम लोग। प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन सही कार्य कर रही है गलत कर रही है, बताइए? सर प्रशासन मेरे साथ गलत कर रही है, जो धारा हम पे लगा रहे हैं अत्याचार हो रहा है वही धारा उन लोगों पे लगा रही है, और मेरा हक हिस्सा होते हुए भी प्रशासन उन लोगों हमको बोलती तुम्हारा राजस्व का मामला है, और उन लोगों को नहीं बोल रही है कि तुम्हारा राजस्व का मामला।